गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंकरेंट फोर्स और नॉन करंट फोर्स के न्यूमेरिकल को बताने जा रहा हूं। आप सभी को टेक्नोक्रेट टेक्नोमेडी एंड माय मिथटेनमेंट चैनल की ओर से स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कंकरेंट फोर्स और नॉन कंकरेंट फोर्स के बारे में बता देता हूं। पहले भी बताया हूं, अगला लेक्चर में कहता है कि नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच पासेस फ्रॉम द विच पासेस थ्रू द वन पॉइंट। कहता है किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, जितना भी फोर्स लगे, और सबका लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास करता है, उसी को बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? कंकरेंट फोर्स। एक बार फिर सुन ले, द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास करता है, उसी को बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। तो इस कंकरेंट फोर्स में हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, एक निकालते हैं रिजल्टेंट और दूसरा निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले कंकरेंट फोर्स लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द वन पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। और जिस पॉइंट से पास करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कंकरेंट, एंड द सेंटर थ्रू व्हिच द ऑल फोर्सेस पासेस दैट पॉइंट, दैट सेंटर या दैट पॉइंट इज कॉल्ड यहां पर लिख देंगे द पॉइंट थ्रू व्हिच द ऑल फोर्सेस पासेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कंकरेंट। क्लियर? यानी ए पॉइंट क्या हो गया आपका?
सेंटर ऑफ कंकरेंट। क्लियर? अब आता है नॉन कंकरेंट। क्या आता है? नॉन कंकरेंट फोर्स। नॉन कंकरेंट फोर्स, द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू द वन पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंकरेंट फोर्स। नॉन कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स कहता है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो एक पॉइंट से पास नहीं करता हो, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एंड एफ एन, हर का लाइन ऑफ एक्शन अदर पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास करता हो, तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं नॉन कंकरेंट फोर्स। यानी सेंटर सबका क्या है? भिन्न भिन्न है। यानी पॉइंट सबका क्या है? भिन्न भिन्न है। लाइन ऑफ एक्शन जो है हर पॉइंट से, माने अलग अलग पॉइंट से ऑल फोर्सेस का पास कर रहा है, माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स अगर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द डिफरेंट पॉइंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास करता है, तो उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं नॉन कंकरेंट फोर्स। कहता है इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू द वन पॉइंट इज कॉल्ड नॉन कंकरेंट फोर्स। कहता है दोनों में हम लोग नॉन कंकरेंट फोर्स में हम लोग तीन चीज निकालते हैं। एक होता है कि रिजल्टेंट निकालते हैं, दूसरा एंगल निकालते हैं और तीसरा पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन यानी कितना दूरी पर वो लगेगा। तो सबसे पहले आइए कंकरेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और एंगल ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। कहता है कि अगर कोई फोर्स हमारा एक्स वाई एक्स जेड वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, अगर इस पे फोर्स लग रहा है हमारा एफ वन, ए फोर्स लग रहा है हमारा थीटा एंगल से एफ टू, क्लियर, ए हमारा एफ थ्री, अगर हमारा ए एफ फोर बीटा एंगल से लग रहा हो, ए फोर्स एफ फाइव हमारा डेल्टा एंगल से और ये हमारा फोर्स एफ सिक्स गामा एंगल से, तो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट। तो इसका
बनाने का, सोल्व करने का पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे फॉर सोल्विंग द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सोल्व करने का जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। कहता है सभी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, यानी रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो कंपोनेंट में, एक वाई कंपोनेंट में और एक एक्स कंपोनेंट में, तोड़ने की विधि को ही रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो कहता है कि रिजॉल्व ऑल फोर्सेस इनटू एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, यानी कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। दूसरा स्टेप है सम ऑल फोर्स कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जितना कंपोनेंट है उसको जोड़ लेंगे, यानी सम ऑफ एफ एक्स। क्या करेंगे? सम ऑफ एफ एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना कंपोनेंट होगा उसको एक साथ ऐड करेंगे। स्टेप थर्ड है सम ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, अर्थात सम एफ वाई। क्या करेंगे? सम एफ वाई करेंगे। और फोर्थ स्टेप है, स्टेप फोर्थ फाइंड टेन थीटा। थीटा क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। टेन थीटा बराबर समेशन एफ बाई बटा समेशन एफ एक्स, यानी थीटा इन्वर्स, थीटा बराबर टेन इन्वर्स समेशन एफ बाई बटा समेशन एफ एक्स। यही इतना चीज कंकरेंट फोर्स में निकालते हैं। क्लियर? सबसे पहले रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, सबको रिजॉल्व कर देना है, रिजोल्यूशन करना है। सम ऑल फोर्सेस कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, सम ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, और फाइनली फोर्थ स्टेप में टेन थीटा निकालेंगे, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स समेशन एफ बाई बटा समेशन एफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रिजोल्यूशन करेंगे। आप देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है बाबू। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आइए, तो फॉर रिजोल्यूशन F1 को हम रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए F1 का एंगल जो है x डायरेक्शन में क्या है? 0 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमारा यहाँ एंगल क्या है? 0 डिग्री। लेकिन टूटेगा ये दो कंपोनेंट में, एक एडजेसेंट कंपोनेंट और एक ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। तो x डायरेक्शन में इसका रिजॉल्यूशन क्या होगा? F1 cos 0 डिग्री, वाई डायरेक्शन में F1 साइन 0 डिग्री। F1 का हम रिजॉल्व कर दिए, अब F2 का चलेंगे। फॉर
F2 के लिए अब देखिए यहां पर थीटा एंगल दिया होता है, ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलेंगे F2 एडजेसेंट साइड, यानी जिसके साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। यानी ये फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कोसाइन एंगल, और ये जो होता है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई साइन एंगल। तो यहां देखिए F2 के लिए, तो एक्स डायरेक्शन में F2 का एक्स डायरेक्शन में हमारा F2 cos थीटा और वाई डायरेक्शन में F2 sin थीटा। अब देखिए अब हम तीसरा का चलेंगे F3 का। F3 जो है एक्स डायरेक्शन का साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री। F3 एक्स डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री। तो ये भी दो गो में टूटेगा, तो फोर लिखेंगे फॉर F3। F3 के लिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में F3 cos 90 डिग्री और y को लिखेंगे F3 sin 90 डिग्री। क्लियर। अब चलेंगे हम F4 के लिए। F4 कितना बना रहा है बीटा, तो बीटा ये हमारा एडजेसेंट साइड, अब बाई डायरेक्शन क्या हो गया ऑर्थोगोनल साइड, तो यहां पर लिखेंगे फॉर F4 के लिए हमारा एक्स डायरेक्शन, देखिए ये कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो जाएगा, तो F-F4 cos बीटा बाई डायरेक्शन में F4 साइन बीटा, क्योंकि बाई इज द पॉजिटिव एक्स इज द निगेटिव है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। अब चलेंगे F5 के लिए फॉर F5 एक्स डायरेक्शन, ये आपका एडजेसेंट कंपोनेंट हो गया, देखिए एंगल इसके साथ वाई डायरेक्शन के साथ बना रहा, तो एडजेसेंट कंपोनेंट ये हो गया, तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा माइनस F5 साइन डेल्टा, वाई डायरेक्शन में माइनस F5 कॉस डेल्टा। क्लियर। अब हम आएंगे F6 के लिए, देखिए गामा बना रहा है आपको बाई डैश डायरेक्शन में, तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट हो गया, ये आपका ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, तो फॉर F6 तो एक्स डायरेक्शन में हमारा हो गया F6 साइन गामा और वाई डायरेक्शन में हो गया माइनस F6 कॉस गामा। ए रिजोल्यूशन आप एक का करके तोड़ दिए, अब क्या निकालना है रिजल्टेंट निकाल देना है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट के लिए R बराबर अंडर रूट समेशन ऑफ F(x)² प्लस समेशन ऑफ F/² ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। क्लियर। ये आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब एंगल निकालेंगे, एंगल तो tan थीटा बराबर समेशन F/ समेशन F(x), हेंस थीटा बराबर tan इनवर्स समेशन F/ समेशन F(x)। ये आपका कंकरेंट फोर्स को रिजल्टेंट और एंगल निकालने का विधि और स्टेप फॉर सॉल्विंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सबका वैल्यू तोड़ तोड़ के आपको इस करके सबका सम कर देना है, निकल जाएगा। यानी स्टेप समेशन ऑफ सबका, यहाँ से सबका अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए
सबका हम समेशन ऑफ एफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ एफेक्ट्स का मतलब हो गया एफ वन कॉस 0 डिग्री प्लस एफ टू कॉस थीटा प्लस एफ थ्री कॉस 90 डिग्री माइनस एफ फोर कॉस बीटा माइनस एफ फाइव साइन डेल्टा, उसके बाद प्लस एफ सिक्स साइन गामा। यानी इसको ऐड कर देंगे भाई लोग, सबका पुट पुट करके दे दिया हुआ रहेगा, डिग्री दिया हुआ रहेगा, उससे निकाल लीजिएगा निकल जाएगा। उसी प्रकार समेशन एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वन साइन 0 डिग्री प्लस एफ टू साइन थीटा प्लस एफ थ्री साइन 90 डिग्री प्लस एफ फोर साइन बीटा प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एफ फाइव कॉस डेल्टा, उसके बाद माइनस एफ सिक्स कॉस गामा। यानी सबका एक्स कंपोनेंट को एक साथ वाई कंपोनेंट के एक साथ ऐड करके इस वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट करिएगा, यहाँ पर पुट करिएगा तो आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा, और इसका वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो आपका एंगल निकल जाएगा। यही आपका प्रोसेस है आपका कंकरेंट फोर्स का। अब कहता है कि नॉन कंकरेंट फोर्स का, तो नॉन कंकरेंट फोर्स में दो स्टेप हम लोग बढ़ जाते हैं सोल्व करने के लिए, दो स्टेप बढ़ते हैं, चार स्टेप वही रहेगा लेकिन सिर्फ इसमें दो स्टेप बढ़ेगा। देखिए आप, सॉल्यूशन फॉर लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टेप फॉर नॉन कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स। तो नॉन कंकरेंट फोर्स की यानी डिफरेंट, मान लेते हैं कि आपका जहां जिस जगह भी लगे आपका फोर्स का, मान लेते हैं कि यही फोर्स है, ये हमारा F1, ये हमारा F2, ये हमारा F3, ये हमारा F4, एक स्क्वायर है जिस पे फोर्स लग रहा है। अब इसमें ये क्या है, सब अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, अलग अलग पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, नॉन कंकरेंट फोर्स हो गया। तो नॉन कंकरेंट फोर्स का बनाने का स्टेप जो है सिर्फ दो स्टेप आगे बढ़ा जाते, बाकी सेम स्टेप है कंकरेंट फोर्स के लिए। तो स्टेप फर्स्ट रिजॉल्व ऑल फोर्सेस इन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई, सिर्फ वैल्यू दिया एकदम से, स्टेप जो मैं बता रहा हूं उस स्टेप से चलेंगे और सिर्फ वैल्यू रखते जाएंगे, आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन आपका रहेगा, कैलकुलेशन जितना अच्छा करेंगे आपका नंबर उतना ही, क्योंकि राइट नंबर आएगा, आंसर सही आएगा। स्टेप सेकेंड, सम ऑल फोर्सेस कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, यानी दैट इज समेशन ऑफ एफेक्स, क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफेक्स। उसी प्रकार सेकेंड स्टेप, स्टेप थर्ड, सम ऑल फोर्सेस कंपोनेंट
इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई। उसी प्रकार स्टेप फोर्थ क्या करेंगे, निकालेंगे रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, क्लियर। और लास्ट स्टेप फाइव, फाइंड एंगल टेन थीटा बराबर समेशन एफ वाई बटा समेशन एफ एक्स, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स समेशन एफ वाई बटा समेशन एफ एक्स, क्लियर। अब यहाँ से अगला स्टेप है स्टेप सिक्स, फाइंड द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट यानी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट निकालेंगे। वो इज द पॉइंट या जो भी नामकरण करिएगा, ए करिएगा बी करिएगा, वो मोमेंट निकालना है। उसके बाद स्टेप सेवन है फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ आर बाय दिस फार्मूला, बाय दिस फार्मूला समेशन ऑफ मोमेंट बराबर आर गुना एक्स, समेशन ऑफ मोमेंट बराबर आर गुना एक्स। हम तो मोमेंट निकाल लिए हैं, ये वैरगन थ्योरम, वेरी गॉन्स थ्योरम से निकालते हैं, यानी समेशन ऑफ मोमेंट बराबर आर गुना एक्स। आप कहता है किस वैल्यू में आर कहां पर लाई करेगा, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, ये दोनों का। अगर ये हमारा दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर हमारा वाई पॉजिटिव है और एफ एक्स निगेटिव है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट, अगर दोनों निगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर हमारा एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। यानी आर कहाँ पे लाई करेगा उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन ऑफ द समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, एफ वाई पर निर्भर करता है। मान लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए, समेशन आर का पोजीशन निकालने के लिए पोजीशन ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। अगर हमारा ए पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा ही किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हमारा समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, अगर हमारा ए निगेटिव है ए पॉजिटिव है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट, अगर हमारा समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई दोनों निगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। अगर हमारा समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई यानी ए पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। यही बनाने का विधि है। अब देखिए इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस अगर मान लेते हैं कि ये हमारा
ए है, ए हमारा बी है, ए हमारा सी है, ये हमारा डी है, डी पॉइंट है। तो इस फोर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे देख लीजिए। आइए यहां पे, अब देखिए F1 का पोजीशन देखेंगे, F1 का हम लोग पोजीशन देखेंगे। तो F1 का पोजीशन, तो F1 का क्या लाई कर रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री x डायरेक्शन में, ये हमारा परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री, ये हमारा थीटा, ये भी हमारा क्या 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। अब देखिए कहता है फॉर F1, F1 का रिलेशन, तो क्या करेंगे x डायरेक्शन में F1 cos 0 डिग्री, y डायरेक्शन में F1 sin 0 डिग्री। क्लियर। अभी इसका देखेंगे, इसका F2 का, फॉर F2, तो F2 का कितना हमारा, ये 90 डिग्री, तो x डायरेक्शन में F2 cos 90 डिग्री, y डायरेक्शन में F2 sin 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे इसको F3, यानी यहाँ पे y और यहाँ पे x, इस तरह से एरो जरूर देखेंगे किस डायरेक्शन में है। तो एरो देखिए इधर जा रहा है, तो x डायरेक्शन में जा रहा है, तो फॉर F3, फॉर F3 x डायरेक्शन में F3 cos 0 डिग्री, y डायरेक्शन में F3 sin 0 डिग्री। अब हमारा F4, देखिए F4 इधर जा रहा है यानी ऊपर की ओर, तो F4 ऊपर की, ये हमारा y है, ये हमारा क्या हो जाएगा x, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो फॉर F4 x डायरेक्शन F4 cos 90 डिग्री, y डायरेक्शन F4 sin 90 डिग्री। अगर सपोज दैट ए हमारा डायरेक्शन ऊपर देकर नीचे की ओर रहता, इस टाइप से रहता, यानी F4 अगर नीचे लग रहा है, तो F4 को फॉर F4 को, तो देखिए ये नीचे y डायरेक्शन में, ये हमारा क्या हो गया x डायरेक्शन, यानी एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x डायरेक्शन में F4 cos 90 डिग्री, y डायरेक्शन में माइनस F4 sin 90 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर देखना है, यहां पर हमको देखना है कि समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy। अगर सपोज दैट ये हमारा दोनों पॉजिटिव है, तो कहां पे हम लगेगा, ये कहां पे पोजीशन पे, ये आर कहां पे लाएगा, तो यहां पर लगेगा बी पॉइंट पे। कहां पे लगेगा, बी पॉइंट पे। इस सी पॉइंट पर नहीं ले सकते, डी पॉइंट पे नहीं ले सकते, ए पॉइंट पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा जब भी रहेगा तो ये बेस रहेगा, क्या रहेगा बेस, यानी बाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, जिससे कहने का मतलब कि ये हमारा स्क्वायर है, तो ये हमारा बाई और ये हमारा एक्स, तो बेस, यानी हमारा दोनों पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। तो बी के अबाउट हम, बी के अबाउट हम आर का वैल्यू लेंगे, यानी देखिए यहाँ पे अब एफ एक्स, तो इसका लेंगे तो हम जान गए कि हमारा जो आर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लगे, तो यानी बी पॉइंट से अब हम ऑल फोर्सेस का मोमेंट निकालेंगे, ऑल फोर्सेस का क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। तो बी पॉइंट पर मोमेंट अबाउट बी, क्योंकि लाई कर रहा है यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। अब F2 का निकालते हैं, तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन जो है इसी से पार कर रहा है, तो इसमें कोई डिस्टेंस ना, मोमेंट बराबर क्या होता है फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स के F2 जो है आपको सामने ही पार कर रहे हैं, यानी जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट थ्रू पास कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन, तो हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए F1 का लिए भी, तो F1 का भी मोमेंट क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पार कर रहा है, तो वहां भी मोमेंट जीरो। हमारा बचा F4 और F3। मान लेते हैं सपोज दैट साइड ऑफ, लेट साइड ऑफ
स्क्वायर एक्स, मान लेते हैं एक्स है, तो इस पॉइंट के अबाउट हमारा एफ फोर का निकलेगा और एफ थ्री का निकलेगा। तो देखिए एफ फोर जो है ऊपर की ओर जा रहा है, डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ से एक्स है, तो यहाँ पर कौन क्लॉक वाइज, तो लिखेंगे मोमेंट अबाउट बी बराबर इसका क्लॉक वाइज पॉजिटिव एफ फोर गुना एक्स। क्लियर? अब ये देखिए एफ थ्री, तो एफ थ्री का ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इससे पार कर, इससे नहीं पास कर रहा, आगे से पार कर रहा, यानी हमारा ये फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी क्लॉक वाइज है, तो प्लस एफ थ्री गुना एक्स, ये आपका मोमेंट सम ऑफ मोमेंट अबाउट बी निकल गया। अब मान लेते हैं कि हमारा ए बी सी डी, हमारा जो है आर जो है यहाँ से इस पॉइंट से बी एक्स डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, सपोज दैट रिजल्टेंट आर लाई यानी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द बी, लेट आर इज एक्स, कुछ भी रख सकते बाई रख दीजिए क्योंकि एक्स माने तो बाई डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब इसका आर गुना यानी समेशन ऑफ मोमेंट बी बराबर इसका मोमेंट आर गुना एक्स, तो एक्स इसलिए एक्स बराबर समेशन ऑफ मोमेंट बी बटा आर, यही आपको क्या बताएगा पोजीशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यही आपका पोजीशन, यही बनाने का विधि है। आप इस पॉइंट को इतना जो चीज़ बताए हैं इसको एकदम से दिमाग में रख ले, और ये इससे एकदम से 10 नंबर का न्यूमेरिकल एकदम से आना ही आना है, 5 नंबर हो इधर पूछे 5 नंबर उधर पूछे, पूछना है। इसलिए हमेशा इस स्टेप को जितना बताए हैं उसको याद रखिएगा और न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले क्लास में, एक दो न्यूमेरिकल आपको अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, दैट्स ऑल। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ ए मैकेनिक्स जो है सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स सिरामिक्स केमिकल टेक्सटाइल प्रिंटिंग ब्रांच को पढ़ना है, एकदम से इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आप लोग बाबू एक बार इस स्टेप को समझ के अगर न्यूमेरिकल बना लोगे तो आपको 100% सही रहेगा। तो मैं फिर आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो विद्यार्थी कर ले और YouTube का मेरा YouTube चैनल का फ़ायदा उठावे। थैंक यू।